after doing the definition of uh, micro small and medium enterprise let us move further with the role of small business in india so as i told you already that small scale industries play a significant role in the social economic development of the country okay so let us see what are the various points that

टेक वन फिगर इमेजिन वन फिगर तो उसमें से नाइंटी फाइव थाउजेंड स्मॉल स्केल सेक्टर में ठीक है सो इन दिस वे इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दी रीजनल बैलेंस्ड रीजनल डिवेलपमेंट क्योंकि जो छोटे छोटे रीजनस हैं उसके करके छोटे छोटे यूनिट्स हैं उसके करके रीजन जो है वो डेवेलप कर सकते हैं ठीक है इवन अंडर डेवेलप्ड रीजन कैन सेटअप स्मॉल स्केल सेक्टर

एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड पर यूनिट ऑफ कैपिटल इनवेस्टेड ठीक है इन लार्ज इंडस्ट्री इट इज नॉट सो लार्ज इंडस्ट्री में से वन रुपए के पीछे पॉइंट फाइव को एम्प्लॉयमेंट मिलती है ठीक है इट कुड भी डेसिमल्स में इसलिए आ रही है क्योंकि रिड्यूस किया ना उसको ऐसा तो नहीं आधे लोग को दे देगी मतलब एक रुपए के पीछे या पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड नी पीपल गेट इम्प्लॉयड राइट बेटे इस तरह से कह लो ना हमने सौ रुपया इन्वेस्ट किया तो दो लोगों को या दो सौ लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिली सौ के पीछे दो सौ लोगों को तो रेशो क्या हो गई टू इज टू वन वेर एस इसमें हमने पांच सौ रुपये इन्वेस्ट किया और सौ लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिली तो यहां पे रेशियो क्या हो गई जीरो पॉइंट टू इज टू वन ठीक है तो कौन सा बेनिफिशियल हुआ हमारे लिए फर्स्ट वन फर्स्ट वन स्मॉल इंडस्ट्री बिकॉज इंडिया इज अ कैपिटल स्केयर्स इकोनमी इंडिया में एम्प्लॉय लेबर सरप्लस है और कैपिटल स्केर्स है तो हमें वो वाली टेक्निक सुटेबल है जिसमें कम कैपिटल से ज्यादा एंप्लॉयमेंट जनरेट हो

प्लास्टिक रबर गुड्स प्रोसेस्ड फूड्स वेजिटेबल्स ठीक है ये सारी चीजें आज जो आप कंज्यूम करते हो फर्नीचर पेंट्स ठीक है ये सब स्मॉल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती है अब आपको लग रहा होगा अच्छा फिर स्मॉल इंडस्ट्री सिंपल गुड्स जिसमें कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, है ना वही प्रोड्यूस करती है नो इवन दी सोफिस्टिकेटेड गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी आज कल आप एप्स कह सकते हो वी मेक यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड एप्स जूम इज एन ऐप चलो ये लार्ज इंडस्ट्री है हमारे इंडिया का नहीं है लेकिन अदरवाइज मैनी एप्स देर बीन प्रोड्यूस्ड बाय स्म स्केल सेक्टर So, it provides you with a variety of goods. And that goods can be simple goods and they can be uh, even complicated goods also, okay? Sophisticated items. All right. Then, uh, small industries which produce simple products using simple technology depend on locally available resources. तो heading, बेटे हर point में ना हमने बनानी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना वॉट इज रोल ऑफ स्मॉल नहीं, नहीं दोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे ठीक है तो ऐसे नहीं कहना कि बुक में भी ऐसे लिखा हुआ था हमने उसको फॉलो किया है तभी मैं साथ साथ हेडिंग दे रही हूँ आपको सो देट यू कैन राइट इट डाउन इन योर बुक्स पहले की मैंने क्या हेडिंग दी बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट सेकंड सोर्स ऑफ इंप्लॉयमेंट जनरेशन सोर्स ऑफ सिडम सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थर्ड वैरायटी ऑफ गुड्स

टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हो गए स्टेशनरी आइटम्स होगी रेडीमेड गार्मेंट्स होगी स्पोर्ट्स गुड्स हो गए रबर प्रोडक्ट्स हो गए शूज हो गए ठीक है purses हो गए दीज जनरली मेक यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज लोकल रिसोर्सेज मतलब जो आसपास से इंडिया विद इन इंडिया ही और प्रेफरेबली आसपास से मिल जाते हैं लोकल रिसोर्सेज यानी उनको रॉ मटेरियल इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता दे मेक यूज ऑफ लोकल रिसोर्सिस चाहे फिजिकल रिसोर्सिस की बात करो चाहे ह्यूमन रिसोर्सिस की बात करो वो इंडियंस को ही इम्प्लॉय करते हैं पीपल को इंडियन पीपल को और इंडियन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं और इंडिया के रॉ मटेरियल्स ही यूज करते हैं हाँ जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी या सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जैसे कि अब बना रहे हैं जैसे कि एलईडी हो गया तो देन दे मे इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होते सो दैट वी कैन इम्पोर्ट बट मोस्टली बिकॉज स्मॉल इंडस्ट्री फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट्स दे प्रोक्योर देयर रॉ मटीरियल फ्रॉम लोकल दे मेक यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस ठीक है एंड कैन ऑल्सो बी वाइडली स्प्रेड विदाउट एनी लोकेशनल कंस्ट्रेंट ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है स्मॉल इंडस्ट्रीज का इसको कोई लोकल कंस्ट्रेंट नहीं है लोकल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में सेटअप करना पड़ता है अपना एंटरप्राइज वो क्यों करना पड़ता है क्योंकि आपका जो रॉ मटीरियल है वो हैवी है उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है अगर किसी पर्टिकुलर जगह में आयरन एंड स्टील की माइनिंग होती है और आप एक ऐसा यूनिट खोलना चाहते हैं जिसका रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील है तो आपको हर एक कोई सजेस्ट करेगा कि आप अपना यूनिट क्लोज टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सेटअप करो उससे क्या होगा जो बेटे आयरन एंड स्टील आएगा लाख रुपए का दो लाख रुपए आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लग जाएगी ठीक है राउरकेला से जलंधर तक लाते हुए आपकी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रॉ मटेरियल की कॉस्ट से डबल हो जाएगी सो व्हाट वुड यू सजेस्ट डू यू वांट टू पे दिस मच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सो व्हाट शुड यू डू अप योर एंटरप्राइज नियर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल, यस बिकॉज जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती है उनका रॉ होता है तो इसीलिए लोकेशनल कंस्ट्रेंट आ गया मतलब वहीं पे सेटअप करोगे जहां पर रॉ मटीरियल, इसका मतलब जिस स्टेट में रॉ मटीरियल ज्यादा है वहां पे ज्यादा यूनिट्स खोलेंगे वो ज्यादा डेवेलप हो जाएगी बाकी अंडर डेवेलप्ड रह जाएंगी लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कोई लोकेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है इसका रॉ मेटीरियल जनरली लाइट इन वेट होता है न सेट अप सेट स्मॉल यूनिट्स एनी वेयर अगर आपको पर्टिकुलर रीजन में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वहां पर खोल लो ठीक है आपका रॉ मटीरियल कहीं पर भी पहुंच जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं तो इसका कोई लोकेशनल कंस्ट्रेंट भी नहीं होता ठीक है ओके देन स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड एम्पल ऑपरचुनिटीज फॉर ऑन्ट्रेन्योरशिप ऑनटरप्रेन्योर पता है आपको

और वो लेटेंट होती हैं स्किल्स लेटेंट मींस आपके अंदर है सोई हुई है ठीक है वो लेटेंट स्किल्स वो कई बारी तो सोई की सोई रह जाती हैं, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आप सोचते भी हो अरे काश मैं बिजनेस कर सकता काश मेरे पास ऐसे पैसे होते इतने कि मैं ये बिजनेस कर सकता तो मैं कहाँ का कहां पहुंचा देता अपने बिजनेस को ठीक है लेकिन वो काश काश रह जाता है क्यों आपके पास फंड्स नहीं है लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इतने फंड्स की जरूरत नहीं है सो इफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ओपन इट गिव्स यू नो जो लोगों की स्किल्स हैं टैलेंट्स हैं, दे कैन आल्सो बी चैनलाइज्ड। सो इट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑन्टरप्रन्योरशिप बिकॉज इन दिस सेगमेंट बिजनेस आइडियाज कैन बी कन्वर्टेड इन टू रियालिटी विदाउट मच इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट यू नो सो मच ऑफ फोर्मेलिटीज ठीक ओके सो नेक्स्ट इज ये इसका मैंने बता दिया एबिलिटीज फॉर ऑन्टरप्रन्योरशिप या ऑपरचुनिटीज फॉर ऑंटरप्रनोरशिप नेक्स्ट बैठे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो स्मॉल सेक्टर है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होता है रीजन दे मेक यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस ठीक है

पर्सन हेड कर रहा है तो नेचुरली उसको आप एम करोगे क्वालिफाइड पर्सन को हायर तो उसको सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी आपको ठीक है तो ये आपके ओवर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज में जनरली ओवरहेड्स कम होते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है ठीक है सो so, इस करके इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है ठीक है देन

एडवांटेज था क्विक डिसीजन मेकिंग रिमेंबर सो दे कुड टेक डिसीजंस क्विकली बिकॉज दे डिड नॉट हैव टू कंसल्ट अदर्स दूसरों को कंसल्ट करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रॉस करने पड़ते हैं ओनली देन यू कैन टेक द डिसीजन तो टाइम यू मे लूज दी अपॉर्चुनिटी बट इन केस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी कैन बी रीप्ड अप्रोप्रिएटली ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट